नमस्कार दोस्तों, मैं मयूर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस RMC प्लांट का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों, ये प्लांट कैसे वर्क करता है, कैसे कंक्रीट को प्रोड्यूस करता है और किस तरीके से वर्क करता है, मैं आपको इस प्लांट के बारे में पूरी तरीके से कम्प्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि ये स्विंग स्टेटर का प्लांट है। ये इसकी कैपेसिटी है 60 m³/h। इसका मॉडल नंबर है M1C। जैसा कि मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर इसका पूरा मॉडल और इसकी कैपेसिटी लिखी हुई है। दोस्तों, ये स्विंग स्टेटर कंपनी का प्लांट है। चलिए तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स बताता हूँ और इसके पार्ट्स को समझाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप सामने होपर देख रहे होंगे, मैं आपको पास में ले जाके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हम इसको होपर बोलते हैं। यहाँ पर जो लोडर होता है वो एग्रीगेट, सेंड और 10 mm, 20 mm जो भी मटेरियल होता है कंक्रीट बनाने के लिए, उसको यहाँ पे लाके डंप करता है। आप सामने देख रहे होंगे येलो कलर का आपको एक मशीनरी व्हीकल दिखेगा, उसको हम लोडर बोलते हैं। दोस्तों, ये जो पीछे स्टॉक यार्ड आप देख रहे हैं, लोडर यहीं से मटेरियल को उठाता है। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर सेंड है, 10 mm हिप किया हुआ है, 20 mm है। ये अलग अलग लोकेशन से मटेरियल को उठाता है और इस होपर में लाकर डंप करता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर से मटेरियल नीचे आता है होपर के, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट। ये कन्वेयर बेल्ट की सहायता से मटेरियल ऊपर की साइड जाता है और ऊपर जाकर बिन में गिरता है। मैं आपको बिन भी ऊपर चल के बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इसको हम बिन बोलते हैं। बिन में चार टाइप के कंपार्टमेंट बने हुए हैं। यहाँ पे जैसे सेंड का कंपार्टमेंट अलग है, 20 mm का कंपार्टमेंट अलग है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसका अलग अलग मटेरियल का अलग अलग कंपार्टमेंट है। यहाँ पर हमको ध्यान रखना होता है कि कोई भी मटेरियल आपस में ओवरलैप ना हो, मतलब कि मिक्स ना हो। जो मटेरियल ऊपर आता है, ये आप देख सकते हैं, इसकी सहायता से ये नीचे गिरता है। इसको हम चारों तरफ रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने के लिए यहाँ पर हमको एक पर्सन को बैठाना पड़ता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा मोटर लगा हुआ है, यहाँ से ये पूरा रोटेट होता है। अब दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्किप। ये वाला जो पार्ट होता है ये स्किप होता है। ये पूरा एक तरीके का कंटेनर होता है, और जो भी मटेरियल बिन में रहता है वो सेंसर की सहायता से इस स्किप में गिरता है। और ये स्किप होता है, इसमें एक रोप लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये जो रोप होती है, ये इस स्किप को ऊपर की साइड खींचती है। ऊपर की साइड आप लोग देख रहे हैं, ऊपर की साइड खींचती है। उसके बाद ये स्किप ऊपर जाता है और मिक्सिंग टैंक लगा हुआ है ऊपर, मिक्सिंग टैंक में ये पूरा मटेरियल डाल देता है। दोस्तों, इसको हम बोलते हैं मिक्सिंग टैंक। ये देखिए, इसके अंदर का पोर्शन कुछ इस तरीके का होता है। इसमें जो भी मटेरियल आता है स्किप की सहायता से मिक्सिंग टैंक में, वो मिक्स हो जाता है। इसी में सीमेंट जो बचा हुआ रहता है पोर्शन, वो ये आप देख सकते हैं इसकी सहायता से आता है। और जो सीमेंट स्टॉक होता है, वो ये जो बड़े बड़े आपको सेलो टाइप दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सेलो। सेलो में स्टॉक होता है। और ये जो पाइप लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, इस पाइप की सहायता से इस टैंक के अंदर आता है, और पानी भी आता है, और इसके अंदर सभी मटेरियल पूरा मिक्स हो जाता है और वो कॉन्क्रीट फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद का जो प्रोसीजर है दोस्तों, मैं आपको नीचे चल के बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नीचे जो इसको TM बोलते हैं, इसको ये मिलर होता है जो कंक्रीट को ट्रांसपोर्टेशन करने के काम आता है। तो आप लोग देख सकते हैं, ऊपर एक सूट लगा हुआ है, उस सूट की सहायता से ये कंक्रीट जो है मिलर में जाता है। और चलो हम इसका एक डेमो भी देख लेते हैं। अभी इस प्लांट को हम लोग चालू करने जा रहे हैं। देखिए, वो बंदा ऊपर जा चुका है और ऑपरेटर भी यहाँ पर आ चुका है।
केबिन के अंदर। तो मैं आपको केबिन के अंदर का भी पार्ट दिखाने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लोडर भी आ गया है और मटेरियल को होपर में डाल रहा है। चलिए मैं आपको इसका कंप्लीट पूरा बता देता हूँ डेमो कि प्लांट कैसे वर्क करता है। प्लांट को हमने चालू कर लिया है दोस्तों। देखिए यहाँ पर लोडर उसके बकेट में मटेरियल भर के लाया और होपर में डाल दिया। अब ये जो कन्वेयर बेल्ट मैंने आपको बताया था वो चालू है। कन्वेयर बेल्ट की मदद से वो मटेरियल ऊपर जा रहा है। और देखिए वो जो रोटरी सिस्टम लगा हुआ है ऊपर, उसकी सहायता से मटेरियल बिन में गिर रहा है। अब नीचे मैं आपको बता देता हूँ कि बिन में से मटेरियल स्किप में कैसे आता है, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि बिन में मटेरियल आ चुका है। ये जो बिन का गेट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है, और यहाँ पर यह हाइड्रोलिक है, उसको इस साइड खींचता है पीछे की साइड तो मटेरियल नीचे गिरता है। और यहाँ स्किप में ये मटेरियल आ चुका है। देखिए सेंड आ चुका है, 10 mm है, 20 mm है। अब ये रोप की सहायता से ये स्किप ऊपर की साइड जाएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि रोप की सहायता से जो स्किप है वो ऊपर की साइड चले गया है, और अब जो मटेरियल है स्किप में से मिक्सिंग टैंक में चले जाएगा, और उसके बाद जो स्किप है वापस अपनी पोजीशन पे बैक आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और है, जो मिक्सिंग टैंक में जो मटेरियल मिक्स होता है उसका टाइमिंग होता है 30 सेकेंड। जनरली 30 सेकेंड में कंक्रीट बन के रेडी हो जाता है मिक्सिंग टैंक में। देखिए यहाँ पर स्किप से जो मटेरियल है वो मिक्सिंग टैंक में जाना स्टार्ट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। और जो मटेरियल है वो टैंक में जा चुका है। अब देखिए जो स्किप है वो वापस से रिटर्न आना स्टार्ट हो गया है। अब वो अपनी पोजीशन जहाँ पे उसकी पोजीशन थी वहीं पर वो जो स्किप है वापस रिटर्न आ जाएगा। ये देख लिया, आप देख सकते हैं वीडियो में। अब इसके बाद देखिए बिन में से फिर से ये सेंसर के ऊपर पूरा डिपेंड है। ये देखिए बिन में फिर से मटेरियल वापस से आ रहा है, 10 mm 20 mm बिन की सहायता से स्किप में आ रहा है। अब जैसे ही ये मटेरियल पूरा ले लेगा स्किप, उसके बाद ये फिर से ऊपर की साइड जाएगा। ये देखिए ये फिर से ऊपर की साइड जा रहा है, ये फिर से ऊपर की साइड जाने लगा है, आप देख सकते हैं। और जो कंक्रीट है वो जब पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, मिक्स होने के बाद ये जो मिलर है, ये व्हीकल खड़ा है, सूट की सहायता से उसके अंदर कंक्रीट चले जाएगा। अब चलिए दोस्तों मैं इस केबिन के अंदर का मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। जो कंप्यूटर से जो भी मॉनिटराइज होता है, अंदर से जो भी कमांड दी जाती है इसको, मैं आपको वो बता देता हूँ। दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिस्टम लगा हुआ है कंप्यूटर। इसके अंदर जो ये सॉफ्टवेयर ओपन है, ये स्विंग स्टेटर का सॉफ्टवेयर है। ये पूरे प्लांट को कंट्रोल करता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सामने आपको ग्रीन कलर का यहाँ पर स्किप दिख रहा होगा। अभी स्किप की पोजीशन सबसे नीचे है बिन के नीचे, तो यहाँ पर दिखा रहा है। जब ये रोप की सहायता से ऊपर जाने लगेगा तो ये यहाँ से मूव करेगा ऊपर की साइड। ये देखिए वहाँ से वो गायब हो चुका है, अब वो ऊपर आ रहा है। देखिए वहाँ से गायब हो गया है, और जैसे ही ये मिक्सिंग टैंक में के ऊपर जाएगा इसकी लोकेशन यहाँ पे बताएगा। ये देखिए ये ऊपर आ गया है, इसको हम मिक्सिंग टैंक बोलते हैं, ये उसका लोगो है। देखिए यहाँ पर अलग अलग आपको कलर में दिख रहा होगा, एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर। यहाँ से जो भी टोटल कमांड दी जाती है ये प्लांट उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। इस प्लांट का यहाँ पर पैनल लगा हुआ है, इसमें पूरा कंट्रोल सिस्टम है कि प्लांट को कैसे कंट्रोल करना है। और यहाँ पर पूरी डिज़ाइन वगैरह सेट की गई है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और दोस्तों ऐसे ही सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पर वीक में 2 से 3 वीडियो आपके लिए लेके आया करूँगा। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।